फिलहाल वहाँ ही मेरा सफ़र होता है ख़त्म, काफ़ी रह लिया अभी, काफ़ी कुछ मिस भी कर दिया इसमें क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। 5 बजे ये वहाँ से केबल कार शुरू करते हैं जो 6 बजे तक चलती है। 6 बजे चलने के बाद आपको यहाँ पे रात हो गई हिसाब से। अब एक दो चीज़ें हैं जो देखने वाली रह गई हैं, वो फिलहाल फिर कभी देखूँगा। काफ़ी लोग यहाँ से निकलना शुरू कर दिए हुए हैं। अगर सही बोलूँ यहाँ पे अगर आपको आना है तो सुबह 9-10 बजे पहुँच जाए, क्योंकि तभी आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकेंगे। यहाँ पे म्यूज़ियम एक्सप्लोर नहीं किया, यहाँ पे लंच था साथ में पैकेज, वो लेने लिया ही नहीं था क्योंकि पता है मिलना है केकड़े वगैरह वहाँ पे खाने को, तो मैं खाता नहीं। तो चलते हैं घर की तरफ, राइट। फाइनली फर्स्ट टाइम राइड माई बाइक वियतनाम में। दिस फ्रेंड इज लिविंग ड्रॉपिंग मी आउटसाइड इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट, जो मैंने भी ढूंढा है गूगल मैप पे। वी आर गोइंग टू हैव सम गुड फूड। गाइस देख रहे हो यहाँ पे स्कूटर, किसी स्कूटर है यहाँ पे, और ये स्कूटर आम स्कूटर से ऐसा नहीं है, इनकी पिकअप इतनी ज़्यादा हाई है। हाउ मच सीसी, सीसी पावर, हाँ बाइक पावर, नो नो, ओके पता चल गया होगा क्योंकि हाँ इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ कम है, वो दिक्कत आ रही है समझ के ऊपर, अपने भी टाइम खाया था। लकीर रही है साबत में, ओके वेरी फास्ट। और सारे 65 स्पीड भी ऐसी चल रही है, ओके 65 स्पीड भी ऐसे चल रही है जैसे भैन जो 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। ओह नाइस पावर, साले खाधी पीती 1.5 मिनट जाता मैंने। गोल्ड कॉफी इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट। तो गाइस ये एक जगह है जहाँ पे सी फूड ओनली, और ये सब बाकी भी सी फूड दे रहे हैं। सामने रखी जो चीज़ें सब सी फूड से भरी पड़ी हैं, और इनकी प्राइस भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है।
का एक मेन्यू चेक करते हैं। ना भाई हम नहीं खाएंगे ये। ही योरी होटल है यहाँ पे। अपन चलेंगे इंडियन फूड की तरफ। फिलहाल अभी के लिए इंडियन करी रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे अमृतसर के कुछ लोग मिल गए हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए नाम आपका। माय नेम इज काजी सिंह, आई एम फ्रॉम अमृतसर विलेज कालगढ़ से। ओके, ये भी अमृतसर से हैं आप। मेरा नाम गुरसिमरन सिंह है, मैं पिंड कालगढ़ में अमृतसर। मेरा गुरमन सिंह नाम है, अमृतसर। हूँ मैंने पंजाबी बोलनी पैनी है, इतने सारे पंजाबी खड़े थे। गल है कि सारे पंजाबी इकट्ठी हो चुकी है तो उसने पूछे से अपना की कि खाना अच्छा खास दे अपना की मिलते हैं आसे पास कोई जगह घूमने वाली, तो डिसाइड तो हो गया। बट इन्होंने वास्तव सिर्फ दो दिन का स्टे रह गया। अज रात है, कल रात तो खाना खाने होंगे ही सर, क्योंकि खाना कल का अच्छा नहीं मिल रहा। इन्होंने ही पूछा कि गाइडेंस ले रहे थे कि कितों का खाना ठीक है, की आइटम ठीक है। बाकी बहुत जगह पंजाबी भरा मिले थे अपने। मेरा नाम साहिल है, पंजाबी सब ही है। ठीक अगर आप यहाँ का मेन कोर्स देखें तो ये चिकन मेन कोर्स है। चिकन मेन कोर्स में कढ़ाई चिकन 1,02,000 की, कोकोनट चिकन करी 99, एग करी 85,000। सो मतलब आप लेके चले कि 2,00,000 के अराउंड का आपको यहाँ पे एक पर्सन का 2% का मील मिल जाएगा। ये है वेज मेन कोर्स। सो एक ही आइटम्स में जो दिख रही है लाख की, वो पनीर चना मसाला है। ऑर्डर लेना है। सो फाइनली चिकन समोसा है, यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी है बट काफ़ी टेस्टी है। साथ में मिली है ओनियन। फाइनली गाइस एक इंडियन करी नाम के रेस्टोरेंट से हमें यहाँ पे मिला, जहाँ पे हमें कुछ इंडियन फूड मिला। शुक्र है या थैंकफुल कि यहाँ पे वो चपाती जो थी तंदूरी चपाती नहीं थी, सर सिंपल एक चपाती दी थी उन्होंने। वो चपाती थी क्या कहते तवा चपाती। खाना अच्छा था यहाँ पे खाने के लिए, टेस्टी था। और 2 लोगों का मील जो है वहाँ पे आपको पड़ेगा 2,00,000 रुपये का, वही 10 डॉलर के अराउंड का हो गया। 10 डॉलर मतलब 800 रुपये। तो 2 लोगों का खाना 800 रुपये में क्या बुराई है। तो फाइनली अभी गाइस मेरे लिए यहाँ से होटल 4 किलोमीटर की भी दूरी पे है और 4 किलोमीटर दूरी में सिर्फ पैदल से ही पूरी करने वाला हूँ। ये मेरे सामने जो नदी देख रहे हैं आप नीचे, ये होई एन नदी है
दोनों तरफ इन्होंने पाथ बनाए हुए हैं और सच मानो तो इतना शानदार व्यू है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे ये अंधेरा कुछ ज़्यादा है, इस तरफ इतने लोग मुझे देख नहीं रहे, बट नदी के उस तरफ चले जाएँ तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो ठहरते हैं, वो जो मतलब खाना पीना वहाँ पे करते हैं और घूमते हैं। वह काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट है नदी के पास। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे लगी बारिश हुई है, पानी दिख रहे हो? तो ये है वो फेमस ड्रैगन ब्रिज जो मेरी हिट लिस्ट में था, फाइनली यहाँ पे आ ही गया मैं ड्रैगन ब्रिज में भी। वो सामने देख रहे हो शिप, वो लॉन पे एक रेस्टोरेंट है पानी के बीच में, और मेरे ख्याल से ये सारा जगह नहीं रेस्टोरेंट नहीं सॉरी वो क्लब है, वो एक क्लब है जैसे लाइट्स दिख रहे हैं, डिस्क वगैरह है और ये हमेशा फुल रहता है, सारा शिप के अंदर बनाया हुआ ये। फेमस द रेड एंड हॉट ड्रैगन ब्रिज। अब 10 बजे के बाद भाई साहब की लाइट्स हो गई हैं येलो, देखते हैं मेरी ये लाइट्स हर बार चेंज करता रहता था। तो सामने देख रहे हो आप, इसी याच की बात कर रहा हूँ मैं, ये याच एक रेस्टोरेंट क्लब, रेस्टोरेंट कम क्लब बार सब कुछ है यहाँ पे। और वो देखें वो होटल है वियतनाम का बुर्ज खलीफा, वो पूरा का पूरा होटल की बिल्डिंग वो लाइट से लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग लाइट से ही है वो, और मेरा स्टे भी वहीं पे है। फिलहाल पूरा ब्रिज कवर करूँगा जो 1.5 किलोमीटर का है, और आगे से सारा रास्ता 2 किलोमीटर का पार करना पड़ेगा, तो अराउंड मुझे होटल में पहुँचे मुझे 4 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ेगा। टाइम देख ही रहे हैं आप, 10:24 का। भाई इस ब्रिज के ऊपर से आते ही मसाज और बूम बूम की ऑफर जाने शुरू हो गई। मुझे बूम बूम का मतलब कल ही पता चला है, बूम बूम का मतलब यहाँ पे क्या है, कल किसी ने ऑफर किया था तो मैं समझ सका था, तो थोड़ा एम्बैरसिंग था उसके बाद जब ये बूम बूम का नाम समझ में पड़ा। चलो छोड़ो, इस चीज़ को ज़्यादा हम डिस्कस ना ही करें, चलो चलते हैं अपने घर की तरफ।